तो दोस्तों कैसे हो आप, स्वागत है आप लोगों का एक नए क्यू एन ए सेक्शन में। अब हमने एक नई तरकीब आप लोगों के लिए अपनाई है कि हफ्ते भर के हमारे जितने भी आपके माध्यम से सवाल आएंगे उनका क्यू एन ए सेक्शन किया जाएगा और सारे सवालों के वीडियोस बना के आप लोगों के लिए पब्लिश किया जाएगा। तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग बात करें। आप अलग अलग एंगल में अलग अलग एग्जीक्यूटिव को देख रहे होंगे, ये आप लोगों से कनेक्ट रहते हैं क्योंकि कहावत है ना कि अकेला चना भर नहीं फोड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारे लोगों की आपकी क्वेश्चन को हैंडल करते हुए आप लोगों के सेटलमेंट में हेल्प करते। तो हमारी एक टीम है जो कि ये केवल आप लोगों के आर एम है, जो मतलब बाकी टीम है ऊपर बैठी हुई है, सबको अगर यहाँ पर इकट्ठा करते तो पॉसिबल नहीं था। तो आज मैन मैन जो सवाल आप लोग पूछते हैं उन सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो है क्यू एन ए। आपके लिए सवाल पूछा जा रहा है जो आपने हमारे आरएम के माध्यम से पूछा है, मैसेज के माध्यम से पूछा है, डीएम के माध्यम से पूछा है। तो सबसे पहला सवाल है 16 तारीख को रजा नहीं दिया था हमारे कि कोई रिकवरी एजेंट आपको फोन करके बोल रहा है कि पेमेंट नहीं करोगे तो मैं आपके रेफरेंस पे कॉल करूंगा। ठीक है, पेमेंट ना करने पे आपके रेफरेंस पे कॉल की जाएगी, तो इसका क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है मिस्टर रजा। हमारे एक मतलब आप लोगों के लिए आरएम है और आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो रजा के माध्यम से जुड़े होंगे और आप लोगों का ही सवाल है कि अगर मैं मतलब फिर से एक बार रिपीट करना, मैं थोड़ा व्हाट्सएप आपके पास कॉल आती है रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके क्या कह रहे हैं, कॉल करके कहता है या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपको आपके रिलेटिव्स को कॉल। आप लोगों का भी रेगुलरली सवाल होता है कि अगर हम पेमेंट नहीं करें हमारे को डर थ्रेट की कॉल्स आती है और हमें धमकाते हैं कि हम आपके रिश्तेदार को कॉल करेंगे। तो ये सवाल आप लोगों के लिए भी होना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो देख ले तो लिख लीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसा रिकवरी एजेंट घर आके फोन पे मैसेज के माध्यम से मेल के माध्यम से डरा के धमका के ये कहता कि आप अगर मेरा फोन नहीं उठाओगे या मेरा पैसा नहीं दोगे तो मैं आपके रिश्तेदार को कॉल करूंगा, तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें होती है। एक मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से जो इन लोगों का डीआरए का एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन होता है कि आप लोगों को अगर जब आप लोग रिकवरी में जाते हैं पेमेंट ना करें तो आपको उनसे कैसे बात करना है। तो उसमें साफ कहा जाता है कि आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जाके उनसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन उनको डराना धमकाना नहीं है। और दूसरी बात, आप लोगों को पता है एक प्राइवेसी लॉ होती है, माने यानी कि आपका निजता का अधिकार। अगर वो आपके बिहाफ पे किसी और को कॉल कर रहा है तो आजकल आपने सुना होगा ना कि डीफेक वीडियो, तो वो डीफेक कॉल होती है और आप वहाँ पे उनके खिलाफ जो बंदा ये बात बोल रहा है लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल एक्शन लेने के दो तरीके होते हैं, एक आप जाके अपने पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR करा सकते हैं अगर आपके पास एविडेंस है, और दूसरा दोस्तों आप उस बैंक के नोडल ऑफिसर्स को एविडेंस के माध्यम से मेल करके आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके रिश्तेदार को कॉल कर दिया, वो आपको कॉल करके समझा रहे हैं, तो यार यहाँ पे देखो रिश्तेदार भी दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो आपकी उन्नति पे खुश होते हैं और आपकी उन्नति पे खुश होते हैं, अवनति पे दुखी होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। और कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो दुखी हो जाएंगे और बुरा काम करेंगे तो आपके लिए मिठाई बांट देंगे। तो ऐसे जो मिठाई बांटने वाले अगर आपके रिश्तेदार हैं तो भैया उनको कह देना कि अगर कोई बैंक वाला कॉल कर रहा है तो आप उसकी आईडी मांग के मुझे भेज दो, तब मैं उसका पेमेंट कर दूंगा। समझ गए भाई? धन्यवाद सर, आपसे दूसरा सवाल के लिए मतलब समझ गए ना। ये सवाल है संतोष जी का जो कि हमारे कॉल सपोर्ट एजेंट है। अगर कोई रिकवरी एजेंट घर के पास पहुंचकर मिलने के लिए बोलता है और हमें नहीं मिलना है तो क्या करें? देखो सर, बैंक जो होता है एक बड़ी ही काम की चीज़ होती है। बैंक हमारे देश में एक इकोसिस्टम को है ना मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों को सर्कुलेट करने के लिए काम करता है। बैंक का काम होता है आपसे पैसे लेना और देश की उन्नति में लगाना, और आपको अगर वो पैसा लेकर अगर कहीं लगा रहा है तो वो कैसे लगाता है? लोन के रूप में लगाता है, क्रेडिट कार्ड के रूप में, या फिर अलग अलग लोनों के रूप में लगाता है। अगर आप पैसे ले रहे हैं तो भाई उसको देना चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी आ जाती है जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या होता है, बैंक से कॉल्स आती हैं, रिकवरी एजेंट हरेस करते हैं या मेल वगैरह आती है, घर पर आके डराते धमकाते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि आपके घर के पास आके वो आपको कहता कि भाई मुझे मिलना है, तो आपको मिलना है नहीं मिलना, आप क्या करना है? तो देखो सर, अगर वो बंदा आपसे मिलने आ रहा है तो आप उससे फ़ोन पे बात करते हुए तीन चीज़ें पूछ सकते हैं। सर, आपके पास आपका आईडी कार्ड है बैंक जिस बैंक से आप आए हो, मेरा कितना लोन देना है, और मिलने का कारण पूछने से पहले ये पूछे कि आप जो रिकवरी के लिए आए हो तो डीआरए का लाइसेंस है आपके पास? अगर वो आपको कहता है कि मेरे पास तीनों चीज़ें हैं
तो आप उससे जाके मिल सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। वो अगर आपसे बदतमीजी भरी बातों में कहता कि नहीं मिलेगा, मैं ऐसा कम तैसी कर दूंगा, तो देखो सर आपको फिर तो जरूर मिलना है, और आपको उससे मिलते हुए अपने एक साथी को ले जाना है, उससे बात करते हुए कन्वर्सेशन वाली वीडियो बनाना है, और उस वीडियो को उस बैंक के नोडल ऑफिसर्स को मेल करना है जिसके बिहार पे वो बंदा आपसे मिलने आया हुआ है। कई बार रिकवरी एजेंट हमसे ये कहते हैं कि भाई लोन तो ले लिया, अब पैसा भर नहीं रहा है, तो उस लोन के पैसे का तुमने किया क्या है, ठीक है, क्यों खर्च किया, मतलब वो हमसे एक्सक्यूज मांगते हैं कि पैसा क्यों खर्च। देखो सर, एक सिस्टम चलाने के लिए है ना, सिस्टम के अंदर ना बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र में ही बैंकिंग प्रणाली काम करती है, और आपको पता है आरबीआई सारे बैंकों का बाप होता है, जो मोटी मोटी बात में ना बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, और आरबीआई को सर्कुलेट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को कौन सर मतलब हैंडल करता है भैया, तो हमारा पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पीएमओ में जो मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं भैया उसको कौन बनाते हैं, तो आप लोग बनाते हो। तो ये लोकतंत्र का एक बड़ा ही चक्रव्यूह है अच्छा सा, जिसमें एक सिस्टम काम कर रहा है। तो एक बंदा आपको ये कह रहा है कि भाई तुमने बैंक से लोन क्यों लिया, तो ये जो वो सवाल पूछ रहा है ना, तो दोस्तों आपका जो मौलिक अधिकार है ना उसका हनन कर रहा है। मौलिक अधिकार का मतलब समझते हो कि आप देखो एक लोकतांत्रिक देश के एक सदस्य हो, और लोकतंत्र में जिसको लोन देना है या नहीं देना है वो सरकार नियम कानून बनाती है, और जनादेश अगर सबके लिए तो वो लोन सबको मिलेगा, उसको ये चीज का पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली किसी एक बंदे के लिए काम नहीं करती, वो सबके लिए काम करती है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ये क्वेश्चन पूछने का अधिकार ही नहीं है। अब दोस्तों वो पूछता क्यों है, वो बंदा जो आपसे पूछ रहा है उसको ये मालूम है कि इस बंदे को मैं मेंटली साइकोलॉजिकल टॉर्चर करूंगा, तो हो सकता है भावनाओं में बह के मुझे पैसे दे दे, और जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं बैंक को भी दे दूंगा और मुझे अच्छी खासी इंसेंटिव मिल जाएगी। तो ये भावनाओं वाले सेंसिटिव क्वेश्चन से आपको दिल पे नहीं लेना है, बोल भाई मैंने को बैंक ने दिया और मैंने लिया। आपको पता ना, आपको पहली बार क्रेडिट कार्ड या लोन ऐसे ही मिला होगा कि किसी बंदे ने कॉल करके बोला होगा सर आपका अप्रूवल आ गया है, या किसी मॉल में मिल गया होगा सर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो, तो उस टाइम तो उस बंदे ने सवाल नहीं बोला कि भाई आपकी औकात नहीं है, आपका कार्ड या लोन नहीं बनेगा। तो ये सवाल भावनाओं में नहीं लो, ये साइकोलॉजिकली होता है, हर सेल्स वाला अपने अपने पिच से लोगों को खुश करता है। तो ये ड्रामेबाजी अगर वो करे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करके आप चाहें तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये सारा गैरकानूनी शब्द है जो आपके ऊपर वो लोग उपयोग कर रहे हैं। देश में गांधी जी का तिलस्म क्या है कि जो भी तुम काम कर रहे हो ना, जो सबसे नीचे तबके का जो बंदा है उसको फायदा होना चाहिए। तो लोन का मतलब थोड़ी है कि मतलब लोन गरीब अमीरों को पहले मिलता था, अब गरीबों को मिल रहा है तो गलत हो रहा है, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, ये सब गलत होता है। आजकल ज्यादातर क्वेश्चन है ना, आप लोगों को महिला समूह लोन के बारे में पता चल रहा होगा, महिला बहुत सारे तुम वीडियो देख रहे होगे, बिहार यूपी ऐसे ऐसे स्टेट में है ना, मतलब महिलाओं को ग्रुप लोन दिया जाता है। ग्रुप लोन भारत सरकार ने किस लिए बनाया था, इसलिए बनाया था कि जो काम धंधा करने के लिए उनको पूंजी की कमी होती थी, साहूकारों से या फिर वो निजी क्षेत्र से लोगों से लेते थे, आपने वो फिल्म देखी होगी ना मदर इंडिया में, लाला टाइप के लोगों से लोन लेती थी, तो उनको रोकने के लिए वो पैसा देना स्टार्ट किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, बैंक में मतलब जो छोटे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ग्रुप लोन महिला समूह लोन बेचते हैं और उनका साइन वाइन करा लेते हैं, छोटा 10,000-12,000 का लोन देते हैं। लोन का मोटो माइक्रो फाइनेंस है, ये कि उसको धंधा करना, माइक्रो कुछ काम करना है, लेकिन वो लोग लिपस्टिक लेती है, टीवी लेती है, उन्हें मालूम नहीं कि लोन क्यों ले रहे हैं, और लोन लेके डिफॉल्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि 70% लोन अभी जो ग्रुप लोन है वो डिफॉल्ट हो रहा है, और औरतों को टॉर्चर किया जा रहा है रिकवरी एजेंट के माध्यम से, जो कि लोन दिलवाने वाले ही मिली साठ घाट से लोन दे देते थे, उन्हें बोलते थे ले लो बस ले लो, पेपर दे दो, पैन कार्ड आधार कार्ड दे दो, उन्हें ये नहीं मालूम कि लोन क्यों दिया जा रहा है। तो ग्रुप लोन का मोटो ये था, महिला ग्रुप लोन का, कि महिला सशक्त होंगी तो समाज सशक्त होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, लिपस्टिक लिया तो फ्रिज लिया, टीवी ले लिया, फंस गई तो गाली गलौज हो रहा है, तो उनको अपने अधिकारों का मालूम ही नहीं है। एक सवाल है आनंद का, अगर कोई घर के बाहर आके कॉल करता है रिकवरी एजेंट कि मैं आपके घर के बाहर हूँ, बताओ क्या करना चाहते हो, घर के अंदर घुस जाऊं, आपके मम्मी पापा से पैसे मांगू, फिर आपको अच्छा लगेगा, ये सवाल का जवाब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिया था कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव आपको विदाउट अपॉइंटमेंट के आपके घर के बाहर आके कहता कि मैं आपके घर में घुस जाऊं और मतलब आपके मम्मी पापा से पैसे ले लूं, तो यहां पे पहला नंबर ये कि आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट में क्या पूछना था मैंने पहले बता दिया है। दूसरी बात, अगर वो घर में अगर घुसने का बोल रहा है तो घुसने, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, 102 नंबर पे पुलिस को कॉल करके आप उसको पकड़ के बैठा सकते हो, बोलो कि चोरी करने के लिए आया था, क्योंकि बिना न्योते के तो आजकल मेहमान भी नहीं आते, और बिना न्योते के रिकवरी एजेंट आ रहा है तो सही थोड़ी है भाई। फिर रजा ने एक और सवाल किया है, अगर किसी कस्टमर को व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल आए
क्या करना है और उसके ऑफिस में भी मैसेज जा रहा है, उसके अदर रिलेटिव से भी मैसेज जा रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या करें? देखो सर, देश में सारी चीजें जो है ना कानून के माध्यम से चलती है। अब ये जो मोबाइल वाली बात हुई, मैसेज वाली बात आई, तो आपको पता ना ट्राई के अंतर्गत काम होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि मोबाइल से कॉल से फोन से रिलेटिव ट्राई कंट्रोल करती है। ट्राई क्या कहता है कि आपको कोई मैसेज के माध्यम से, यानी कि व्हाट्सअप हो गया, मैसेंजर पे हो गया, इस माध्यम से अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है तो वो इलीगल मैसेज है, ठीक है ना। आप उस नंबर की ट्राई में कंप्लेंट कर सकते हैं। ट्राई में कंप्लेंट करने का एक तरीका होता है, आने वाले टाइम में मैं उसका शॉर्ट्स बना दूंगा, कि जो नंबर आपको बार बार, मतलब वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है ना, आपसे रिकवरी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस पर्पज में वो आपको यूज कर रहा है, तो वो अगर नंबर आ रहा है आपके पास, तो आप उसकी कंप्लेंट ट्राई में करके आप उसको ब्लॉक करा सकते हो, ठीक है ना। 7 लोग अगर एक नंबर को रिक्वेस्ट डालते हैं, भैया ये नंबर फ्रॉड है, स्पेम है, तो वो अपने आप ब्लॉक हो जाता है। तो आप कोशिश करिए, पहले बंदे आप बनिए, 7 अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। तो वो मैसेज आपको इग्नोर नहीं करना, उसकी कंप्लेंट आपको ट्राई के अंतर्गत करना है, स्पेम करना है, अगर स्पेम के रूप में आ रहा है तो। दूसरी बात, आपके पास मैसेज के माध्यम से ये सब चीज़ें बैंक कभी कम्युनिकेट नहीं करता। अगर उसको करना होगा तो सीधे TVR यानी कि टेली वेरिफिकेशन के माध्यम से करेगा, या फिर आपने जो मेल आईडी दे रखा है उसके माध्यम से करेगा, और ऑफिशियल मेल आईडी से अपना मेल भेजेगा, ना कि मैसेज के माध्यम से भेजेगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको ट्राई की साइट पर जाके स्पैम नंबर करके उसको ब्लॉक करना है। रजा एक और सवाल पूछते हैं, रजा का कहना है कि अगर व्हाट्सएप पर कोई लीगल नोटिस जैसा मैसेज आए, क्या ये बोले कि आपके घर पर पुलिस आएगी और आपके नाम पर केस होगा, और बैंक की तरफ से मैं बोल रहा हूँ पैसे जमा कर दो वरना गिरफ्तारी हो जाएगी, तो क्या करें? भाई साहब, यहाँ पे 20 लाख रुपए से अगर आपने ज्यादा का लोन ले रखा है, वो प्रॉपर्टी लोन हो, पर्सनल लोन हो, चाहे कोई भी टाइप का लोन हो, तो ये सारे जो मैसेज आते हैं ना, तो आपके अंदर व्हाट्सएप में एक होता है ना 24 घंटे वाला जो होता है, वो अपने आप ही मैसेज डिलीट हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, डिसअपेयरिंग मैसेज, में वो अपने आप 24 घंटे में आपका वो गायब हो जाएगा। तो डिसअपेयरिंग माध्यम से अगर कोई मैसेज आता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको वही मेल के माध्यम से आता है तो आप टेंशन थोड़ा ले सकते हैं, और टेंशन क्या लेना है, हमारे माध्यम से अगर सर्विस ले रहे हैं तो आपका मेल हमारी टीम जवाब देगी, और नहीं ले रखा तो भी आप हमारी टीम के माध्यम से मेल सपोर्ट सर्विस का सर्विस लेके आप उसको बैंक जो भी पूछ रहा है उसका जवाब दे सकते हैं, एविडेंस के साथ जवाब देंगे, तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, नोटिस का मतलब क्या होता है कि आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है और आपको उसका जवाब देना है। ये कार्यवाहक टाइप का जो बोलते हैं ना कि एक प्रणाली होती है काम को करने का, नोटिस भेजना, नोटिस का जवाब देना। तो आपको नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेल का नोटिस देने आता है तो आप दे सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ। अगर कोई रिकवरी एजेंट कहता है कि सर अगर आप अपने कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे हो और आपका कार्ड NPA हो जाएगा, इसलिए मैं आपके कार्ड की पेमेंट कर देता हूँ और आप मुझे कार्ड पैसा वापस निकाल के दे देना, तो ये करना सही है? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और ये मिस्टर सहनेवाद ने पूछा है, तो आप लोगों को बताऊं। देखिए, आपको पता ना कि एक प्रोसीजर होता है बैंकिंग का, जब आपका सेटलमेंट प्रोसेस में जाता है, फर्स्ट बकेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक बकेट सिस्टम चलता है, जिसमें अलग अलग माध्यम से आपको कॉल करके परेशान किया जाता है और पैसों की डिमांड की जाती है। और सबका जो छठवां, जो देखिए, अगर आप बिजनेसमैन है तो थर्ड बकेट में ही आपको NPA का डर दिया जाएगा, और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो छठे बकेट में आपको डर दिया जाएगा। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि आपने कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, उस पर ब्याज दे रहे थे तो उनको फायदा हो रहा था, अब आपने देना बंद कर दिया तो आप बैंकों को नुकसान हो रहा है, और जो पैसा आपको उसने दिया है उस पर उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये डर के आगे जीत वाली ड्यू वाली बात बताऊं कि वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, और आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। तो दोस्तों, NPA के बाद क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, उसके बाद आपका NPA अगर हो गया तो सेटलमेंट के प्रोसीजर में जाके आप वहां पे बातचीत कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, और ये जो डर दिखाते हैं कि आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बैंकिंग के प्रोसेस में ये वाला जो एंड का पॉइंट होता है सेटलमेंट, 20 लाख से ऊपर का लोन है तो फिर वो आगे जाता है, और उसके लिए मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड वाले या पर्सनल लोन वाले 20 लाख वाले तो आप लोग हो गए नहीं, लेकिन जो 20 लाख वाले हैं और विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। सर्विस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा अगर ऐसा लगता है कि यार हम आपके साथ धोखा वगैरह कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए पहले तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने काम को खुद करो। अगर आप
नहीं जानते हो तो हमने वीडियो बना रखी है, जाके देखो। लेकिन आप लोगों में कभी कभी होता है ना, थोड़ा साइकोलॉजिकल डर लगता है, ये होगा होगा सर, सही में लोन सेटलमेंट हो जाएगा ना सर, सही में ये हो जाएगा ना सर, सही में ये हो जाएगा ना। तो ये जो सवाल होता है ना, तो भाई सही में होता है, सेटलमेंट होता है, लेकिन एक दिन में नहीं होता है। और करवाना है तो व्हाट्सएप में आइए, और हमारा गूगल रिव्यू भी जाके देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को गूगल रिव्यू का फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं। बाकी गूगल पे जाएंगे तो वो रिव्यू फॉर्म मिल ही जाएगा और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। आपका भी कोई सवाल जवाब है तो जैसे बोला गया मिस्टर सरफराज ने कि आप हमसे हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव मतलब ये क्यू एन ए का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका नाम आना चाहिए, आपके सवालों के साथ आपका जवाब दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर का ख्याल रखिए, सी यू।